हाय फ्रेंड्स, यहाँ पर हम SSD अपग्रेड करेंगे लिनोवो के लैपटॉप में, वो भी पूरी सेटिंग और डेटा के साथ। तो सबसे पहले मैं ये SSD में ये USB 2 SATA केबल कनेक्टर है इसको लगा देता हूँ और USB पोर्ट में यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। अब मैं विंडोज को यानी C ड्राइव को यहाँ पर एज इट एज कॉपी करूंगा, यानी कि माइग्रेट करूंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ मैं डिस्क जीनियस सॉफ्टवेयर और यहाँ पर इसमें चला जाता हूँ OS माइग्रेशन के अंदर। SSD को यहाँ पर सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर देता हूँ और सी ड्राइव का स्पेस एडजस्ट कर लेता हूँ। आप इसको बाद में चाहें तो श्रिंक भी कर सकते हैं। स्टार्ट पर यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ और हॉट माइग्रेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, माइग्रेशन यानी कॉपी की प्रोसेस जो है स्टार्ट हो गई है और डेटा के हिसाब से ये यहाँ पर टाइम लेगा। दोस्तों, इसका डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में भी है। अब माइग्रेशन यानी कि विंडोज की कॉपी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, तो सिस्टम को अब यहाँ पे कर देते हैं शट डाउन और अब SSD को यहाँ पर फिजिकली करते हैं इंस्टॉल। तो लैपटॉप के बैक साइड के जितने भी सारे स्क्रू हैं, सारे हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। CD ड्राइव को बाहर निकाल लेते हैं और इसके कवर के प्लास्टिक के लोग को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लैपटॉप हमारा ओपन हो चुका है और ये रही फ्रेंड्स यहाँ पर हार्ड डिस्क। तो फ्रेंड्स, इसको निकालने से पहले जो बैटरी का यहाँ पे कनेक्टर है, पावर का कनेक्टर, इसको यहाँ पे निकाल देते हैं ताकि कोई डैमेज ना होने पाए। उसके बाद फ्रेंड्स, हार्ड डिस्क को इसके कनेक्टर से डिटैच कर लेते हैं। इसका जो कवर है इसको यहाँ से निकाल देते हैं और इसी कवर में हम जो ये SSD है इसको यहाँ पे लगा देते हैं और SATA कनेक्टर में इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद बैटरी के जो पावर कनेक्टर हमने निकाले हुए थे उनको वापस यहाँ पे लगा देते हैं और लैपटॉप के बैक साइड के कवर को लगाकर जितने भी सारे स्क्रू थे वापस हम इसको टाइट लगा करके टाइट कर देते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर ए डाटा की 480 GB SU 630 का बूट टेस्ट। फ्रेंड्स, ये SSD अप्रोक्स 450 MBPS की डेटा ट्रांसफर की स्पीड प्रोवाइड करती है, जिसका हम यहाँ पे टेस्ट भी करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो बूट टाइम यहाँ पर आया है 25 सेकंड का, जो कि यहाँ पे शो हो रहा है। और अब हम यहाँ पे स्पीड टेस्ट के लिए क्रिस्टल डिस्क मार्क यहाँ पे यूज कर लेते हैं। यहाँ पर प्रोफाइल में जाकर के डिफॉल्ट हमने सेलेक्ट कर लिया हुआ है और इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं 256 MIB, जिससे कि इसका टेस्ट थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो क्लिक कर देते हैं यहाँ पर हम ऑल पर और वीडियोस को यहाँ पर कर देते हैं सुपर फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स, ये रहा रिजल्ट जो कि हमारे सामने यहाँ पे आ चुका है। 471 MBPS की रीड स्पीड और 456 MBPS की यहाँ पे राइट स्पीड जो कि यहाँ पे शो कर रहा है। आप यहाँ पे जो बाकी की स्पीड भी है आप हमको यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस हेल्पफुल वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।